सामाजिक न्याय विभाग और पंजीकृत संस्था अरुणाभ विशेष बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराने में प्रयासरत है। इसी कड़ी में विशेष बच्चों को प्रशिक्षित कर संस्था अरुणाभ द्वारा टेलीफोन नगर में कैफे आरंभ किया गया है। कैफे का शुभारंभ सांसद शंकर लालवानी द्वारा किया गया। बिल्कुल कहा है ना मैंने आपके कैसे कैसे बनाते हैं आप? आपने कैसे सीखा है बनाना? मैम सिखा देते। क्या क्या स्पेशल है आप? क्या क्या बना देते हैं अभी आप? पिज्जा, सैंडविच, कॉफी, चाय। क्या अच्छा लगता है आपको ये बनाना? अच्छा लगता है। कब से बना रहे हैं आपके? कल कैसे सीखा आपने ये? कितने समय हो गया आपको सीखते हुए? एक महीने में सीख लिया आपने? अच्छा, हमने सुना आपको बहुत तारीफ मिली है, सब ने आपको बहुत तारीफ की आपकी। आपने जो बनाए थे पिज्जा बनाया था, सैंडविच बनाया था, उन सबका अच्छा कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। रात से एक कैफे की शुरुआत हुई है जिसमें स्पेशल जो चाइल्ड बच्चे हैं वो उसे हैंडल करेंगे, बनाने का जो लेकर भी उसे लेकर सर्व करने तक। किस तरह से ये शुरुआत की गई है आपके द्वारा और कितने बच्चे इसमें हैं सर जो सर्विंग में और इसे बनाने में हैं? पिछले 4 महीने से इन बच्चों का ट्रेनिंग चल रहा है और ये एक्टिविटी हमको काफ़ी दिनों से प्लानिंग में थी क्योंकि इनको वोकेशनल ट्रेनिंग हम लोग देना चाहते हैं और हम देते भी हैं, पर कुछ एक्टिविटी के साथ में हमने शुरू किया था जैसे ये फ्लोर क्लीनर वगैरह और ये सारी चीज़ें। लेकिन कैफ़े एक ऐसी चीज़ है जो हम रिकॉग्निशन भी जल्दी देती है। दूसरी चीज़, फूड इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मतलब हमारी ज़िंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है और इन बच्चों के साथ में हमको काम करते करते समझ में आने लगा था कि इनका इंटरेस्ट है, ये काम किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी और फिर जिन बच्चों की इच्छा थी तो वो देखकर हमको ऐसा लगा कि हमको एक कैफ़े करना चाहिए जहाँ पे ये सर्व करें। और बनाने का हमको विश्वास नहीं था कि ये बना पाएंगे और सर्विंग में भी हमको इनको असिस्टेंस देना पड़ेगा, ये भी हमको लगा था। लेकिन उसके पीछे का एक ऑब्जेक्टिव भी ये था कि रोज़ ही हम लोगों से मिलते हैं, इनको दूसरा कोई सोशल कॉन्टैक्ट मिलता नहीं है। तो अगर हम कैफ़े जैसी कोई चीज़ शुरू करते हैं जहाँ पे फुटफॉल होगा बाहर के लोगों का, तो इनको जितना ज़्यादा आम लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा उतना इनमें चेंज आना शुरू हो जाएगा जो इनको नहीं मिलता। जनरली ये लोग रिजर्व घर पे या स्कूल या थेरेपी सेंटर यहीं तक रहते हैं। उस ऑब्जेक्टिव के साथ में हमने इसको कैफ़े शुरू किया और अब अच्छा लग रहा है बताने में क्योंकि हमने जो एक्सपेक्टेशंस नहीं थे हमारे उससे ज़्यादा हमको मिल गया। जैसे हम सोच रहे थे कि सिर्फ सर्विंग करेंगे, हाउसकीपिंग में क्लीनिंग करेंगे, टेबल साफ कर लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन 4 बच्चे तो हमारे यहाँ बनाने में पिछले 3-4 महीने से जो सीख रहे हैं आज बनाने में एक्सपर्ट हो गए। हम बिल्कुल ये जानते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको कुछ ना कुछ सुपरविजन उनको देना पड़ेगा, लेकिन अपने को हाथ भी नहीं लगाना पड़ता, वो खुद ही करते हैं। और एक फ़ायदा जो इनकी अपनी क्वालिटी रहती है कि जैसे एक रूटीन सेट होता है तो वो उनके दिमाग में फिट हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पे फ़ायदे की ऐसी आ रही है कि जो डिश उसको बनाना है उसमें जो क्वांटम में जितना डालना है, चीज़ स्प्रेड करनी है बटर कर, वो एग्जैक्टली उतनी क्वांटम में बनाते हैं, इसलिए आप आज खाओगे क्या और 1 महीने बाद आओगे तो एकदम सेम टेस्ट मिलेगा। दैट इज़ द कंसिस्टेंसी।